अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आपसे जॉब के हवाले से डिस्कस करने वाला हूँ वो है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के अंदर जॉब्स अनाउंस हुई हैं। इस जॉब्स की कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जी दोस्तों, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के अंदर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम 2023 की जॉब्स अनाउंस हुई हैं। इस जॉब्स में फौजी फर्टिलाइज़र का बैच 2023 के लिए नई ज्वाइनिंग लोगों को करवाना है, तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट जॉबलेस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के अंदर कम्प्लीट डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के अंदर जो अप्रेंटिसशिप का ऐलान हुआ है इसमें उनके लिए है कि जिन्होंने DAE केमिकल या मैकेनिकल या बैचलर वगैरह की डिग्री हासिल की हुई है वो अप्लाई कर सकते हैं। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की जानिब से अप्रेंटिसशिप एक्ट 2021 के तहत गोठ माछी साकबाद ज़िला रहीम खान और मीरपुर मथेरो ज़िला गोठकी में अपने प्लांट्स में 2 साल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए दर्ज ज़ैल असलामिया मतलूब हैं। केमिकल प्लांट ऑपरेटर, मैकेनिकल टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन और लैब एनालिस्ट मैट्रिक या FSC के साथ साथ मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में एसोसिएट इंजीनियर का 3 साल डिप्लोमा इसमें बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री में BS डिग्री होल्डर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 23 मार्च 2023 तक की उम्र से जायद हद 28 साल है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 23 मार्च 2023 है। आपने कैसे अप्लाई करना है, आपने जाना है www.career.ffc.com.pk पर। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का व्यू ओपन हो जाएगा, तो आपने जाना है कैरियर पर। कैरियर पर जाने के बाद आपके सामने जी आपने अपने यहाँ पर डेटा अपलोड करना है। तो यहाँ पर अगर आप जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्रेंटिसशिप केमिकल प्लांट में मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लैब एनालिस्ट, केमिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहें वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसी तरह तमाम डिपार्टमेंट्स में जो जो ज़रूरियात हैं आप उस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हर डिपार्ट की अपने वाइस 13 नवंबर को जो है अनाउंस हुई है, तो दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कि कैरियर डॉट की वेबसाइट पर लेटेस्ट जॉब्स यहाँ अनाउंस होती रहती हैं, तो जल्द ही यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक खुल जाएगी और जल्द ही आपके सामने जॉब्स अनाउंस हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपने इसका फॉर्म कैसे फिल करना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, शुक्रिया।